हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजर टेक। मैं हूं मोमिन हाशिर। इस बार मैं आपके लिए लाया हूं सोनी के FY18 के LED TVs का फुल लाइनअप। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यहां क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ क्लिक करके आप इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, वेलकम टू मंजर टेक। मैं हूँ मोमिन हाशिर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2018 लाइनअप में से सोनी का नया मॉडल 55X9000F। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनी की ऑलवेज जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। इनकी जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होती है। तो ऐसे ही कुछ इन्वेंशन सोनी ने 2018 के न्यू लाइनअप में यूज की है जो कि पिक्चर क्वालिटी को बहुत ही एनहांस कर देते हैं। तो जैसे कि अगर कभी भी आप सोनी के जो पीओपी होती है, जो स्टिकर होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑलवेज पिक्चर क्वालिटी की बात पहले होती है। जैसे इसमें सोनी ने यूज किया है 4K HDR टेक्नोलॉजी, देन इसमें X1 एक्सट्रीम चिप है जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। देन इसमें सोनी ने यूज किया है एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज जो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है। देन इसमें मोशन फ्लो के लिए जो अगर फास्ट मूविंग इमेजेस आप देखते हैं तो पिक्चर जो है ब्लर हो जाती है, या आप गेम खेलते हैं तो पिक्चर जडर हो जाती है, ब्लर हो जाती है, तो उसके लिए इसमें कंपनी ने यूज किया है एक्स मोशन क्लैरिटी टेक्नोलॉजी जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो है वो ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले है और इसमें जो पिक्चर इंजन यूज हुआ है वो 4K X-Reality प्रो पिक्चर इंजन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसके सारे फीचर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टीवी 4K है जिसका रेजोल्यूशन है 8 मेगापिक्सल। इसका पैनल 8 मेगापिक्सल पैनल है जो कि फुल एचडी से 4 times बेटर क्लियरिटी देता है। फुल एचडी का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 2 मेगापिक्सल, 2 × 2 × 4 = 8 मेगापिक्सल। तो इसका बेनिफिट क्या है 4K का? 4K का मेन बेनिफिट ये है कि आप इसको बहुत ही कम डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। अगर 55 इंचेस के लिए आप फुल एचडी टीवी देते हैं तो फुल एचडी के लिए आपको कम से कम डिस्टेंस रखना होता है 15 फीट। अगर आपका डिस्टेंस कम हो, 6 फीट हो, 5 फीट हो, तो आप 4K टीवी लीजिए तो आप उसको कम डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। इवन इसको 4.5 फीट के डिस्टेंस से भी आप एंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई पिक्सेलेशन नहीं मिलेगा, कोई वीडियो में आपको कोई ब्लर इमेज नहीं दिखेगी। तो 4K के साथ साथ दोस्तों ये HDR भी है, हाई डायनेमिक रेंज भी है, ये नॉर्मल 4K नहीं है। HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज, जिससे आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है। जो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं 4K HDR और स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज और हाई डायनेमिक रेंज का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये लेफ्ट साइड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल्स हाइड है, राइट साइड में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल रही है। दोस्तों ये एक डिफरेंशिएशन है जो कि HDR है, दोनों ही 4K वीडियो है बट ये स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज और हाई डायनेमिक रेंज का डिफरेंस है। अगर दोस्तों आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत सारे डार्क सीन्स होते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी जो कि स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में हाइड हो जाती है, आपको वो डिटेल्स नहीं मिलती है। और अगर आप इसमें टेक्नोलॉजी देखें तो 2017 से अगर कंपेयर करिए तो 9000E-series था उसमें X1 एक्सट्रीम पिक्चर इंजन नहीं था, उसमें सिर्फ X1 एक्सट्रीम प्रोसेसर था। X1 एक्सट्रीम पिक्चर इंजन दोस्तों बेसिकली 3 टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे पहली है डुअल डेटाबेस प्रोसेसर। डुअल डेटाबेस प्रोसेसर क्या करता है? डुअल डेटाबेस 2 काम करता है। पहला ये कि वो इमेज की रेजोल्यूशन को एनहांस कर देता है। अगर आप कोई भी सोर्स से वीडियो प्ले कर रहे हैं, सेटअप बॉक्स से, डीवीडी प्लेयर से, जिसका वीडियो क्वालिटी की रेजोल्यूशन थोड़ा कम है तो X1 एक्सट्रीम सबसे पहले उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा देगा। दूसरा क्या होगा कि जो उसमें नॉइस होती है वो नॉइस लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये मेन डुअल डेटाबेस प्रोसेसर करता है जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी काफी एनहांस हो जाती है और आपको लाइफ लाइक पिक्चर दिखती है। X1 एक्सट्रीम का दूसरा काम है और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम है ऑब्जेक्ट बेस्ड 4K HDR रिमास्टरिंग। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें फ्लावर्स है, इसमें आप देख रहे हैं माउंटेन है, स्काई, राइवर, ग्रास, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों ये टीवी इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिटेक्ट करके हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल को एनहांस करता है। इसमें बहुत सारे डेटाबेस है कलर्स के, टेक्सचर्स के, ये सारी उन चीजों को मैच करता है और उसकी डिटेल को एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो या पिक्चर देखने को मिलती है। दूसरे इसमें थर्ड जो X1 एक्सट्रीम है उसमें थर्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई है सुपर बिट मैपिंग की। सुपर बिट मैपिंग से क्या होता है कि आप कोई भी जब सीन देखते हैं उसमें बहुत सारे जो कलर्स होते हैं उसके शेड्स होते हैं फ्रॉम लाइट टू डार्क। तो अगर सुपर बिट मैपिंग उसमें नहीं हो तो आपको क्या होता है कि उसमें जो कलर शेड्स हैं वो आपको कलर की बेंडिंग में दिखते हैं, आपको कुछ बेल्ट दिखेंगे, पट्टे दिखेंगे। सुपर बिट मैपिंग उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है। तो आप कोई भी सीन देखिए आपको बहुत ही स्मूथ कलर ग्रेडेशन मिलेगा, कलर बेंडिंग नहीं मिलेगी। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हाफ पोर्शन जो
है वो विदाउट सुपर बिट मैपिंग है और हाफ जो है विद सुपर बिट मैपिंग है। अब चलिए एक और दूसरा आपको मैं 4K वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये सारे X1 एक्सट्रीम जो पिक्चर इंजन है वो इन सारी टेक्नोलॉजीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है और किस तरह से आपका वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। चलिए देखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ये नॉर्मल कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं उसमें किस तरह से पिक्चर क्वालिटी एनहांस हो जाती है। दोस्तों इसमें एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज प्रो। एक्चुअली ये एलईडी जो है वो बैकलिट एलईडी है। अब अगर कोई डार्क सीन आता है तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डार्क सीन में डिटेल्स बहुत ज्यादा हाइड हो जाती है। अब ये वीडियो आप देखिए इसमें ये एक नाइट सीन है जिसमें लाइट्स ऑन है तो जहां जहां पर भी लाइट है उसके पीछे की जो बैकलिट है वो ऑन हो जाती है और जहां पर भी डार्कनेस है वहां की पीछे की जो एलईडी है वो ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट मिलता है और एक नेचुरल पिक्चर मिलती है और कोई भी डिटेल आपकी मिस नहीं होती है। ये वीडियो आप देखिए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इस वीडियो के बीच में कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपके डिवाइस में देख रहे हैं, हो सकता है आपके हाथ में मोबाइल हो, आप लैपटॉप पर हो, आप कंप्यूटर पर हो या आप स्मार्ट टीवी में ये वीडियो देख रहे हो। तो जो कुछ भी वीडियो आपको दिख रहा है वो आपने जो डिवाइस लिया है उसकी क्वालिटी है। अगर इसकी एक्चुअल क्वालिटी आपको देखना हो तो आपके नियरेस्ट सोनी सेंटर पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको इसका डेमो परफेक्ट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसमें जो एक्स मोशन क्लैरिटी फीचर है ये एक नया इन्वेंशन है कंपनी का। दोस्तों अब तक जो फास्ट मूविंग इमेजेस थे उसमें आर्टिफिशियल फ्रेम्स ऐड किए जाते थे उसको स्मूथ करने के लिए, अदरवाइज वो क्या होता है वो ब्लर हो जाता। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी था कि उसमें ब्राइटनेस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। जब कभी भी अगर आप मोशन रेट को बढ़ाते हैं तो टीवी का ब्राइटनेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर फ्रेम के बीच में टीवी एक ब्लैक फ्रेम आर्टिफिशियल फ्रेम ऐड करता है जिसकी वजह से ब्राइटनेस कम हो जाता है। लेकिन इस साल कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी यूज की है इस टीवी में जो कि एक कंप्लीट ब्लैक फ्रेम दो फ्रेम्स के बीच में ऐड नहीं करता है बल्कि जहां पर जरूरत होती है वहां पर ही बैकलाइट ऑफ होती है या ब्लैक फ्रेम ऐड होता है जिसमें ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ओवरऑल बेनिफिट ये होता है कि आपको एक ब्लरलेस मोशन मिलेगा, साथ ही साथ वो विविड भी रहेगा, उसमें ब्राइटनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मोशन फ्लो एक्स मोशन क्लैरिटी का बेनिफिट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें जो डिस्प्ले यूज हुआ है वो है ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले। ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले जैसा कि आपको पता ही है कि कलर ग्रेडेशन को बढ़ा देता है, बहुत सारे आपको शेड्स ऑफ कलर मिलते हैं। लेकिन बेसिकली ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है इसके नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। ट्राइल्यूमिनस मींस व्हाट? ट्राइल्यूमिनस यानी, तो एक एग्जांपल के जरिए से आपको मैं समझाता हूँ। आपने बहुत बार होर्डिंग्स देखी होगी जिसमें बैकलिट लगी होती है। अगर किसी भी पिक्चर के पीछे अगर व्हाइट बैकलिट हो तो उसमें क्या होता है कलर्स डल हो जाते हैं। जैसे रेड कलर है तो वो आपको ऑरेंज या पिंक दिखेगा, ब्लू कलर जो है वो फेडेड हो जाएगा, ग्रीन कलर फेड हो जाएगा। लेकिन अगर जो कलर है फ्लैक्स पर उसी कलर की बैकलिट पीछे हो तो क्या वो फेडेड होगा, क्या वो डल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम कलर की बैकलिट पास हो रही है। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज है। इसका जो डिस्प्ले है वो तीन कलर से बना हुआ है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से कलर फेड नहीं होता है और आपको बहुत ही नेचुरल और लाइफ लाइक कलर्स मिलते हैं। कलर शेड्स भी ज्यादा मिलते हैं, लाइक एमरल्ड ग्रीन अगर आप देखते हैं तो हर टीवी में एमरल्ड ग्रीन आप नहीं देख सकते हैं, तो इसका कलर गैमेट बहुत बढ़ जाता है। देन इसमें जो पिक्चर इंजन यूज हुआ है वो है 4K एक्स रियलिटी प्रो पिक्चर इंजन। अगर आप सेटअप बॉक्स के थ्रू भी कोई इसमें इनपुट देते हैं, फुल HD सिग्नल आप चलाते हैं तो वो उसको 4K में अपस्केल कर देता है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे। इसमें एक और USP है, यूनिक पॉइंट है एंड्रॉइड टीवी। इसमें गूगल असिस्टेंट भी कंपनी ने इस साल यूज किया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।